हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्यानीर क्लासेस। सो सीरीज चल रही है ये जम्मू कश्मीर के बारे में, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने कश्मीर के कुछ स्पॉट्स को कवर किया था, जो बाकी रहते हैं वो हम आज देखेंगे और उसके बाद थोड़े से एमसीक्यूज पे नजर डालेंगे। स्टार्ट करते हैं सोनमर्ग से, जिसका मतलब है दो वर्ड्स का ये वर्ड बना हुआ है, सोना और मर्ग। सोना मीन्स गोल्ड और मर्ग का मतलब होता है मिडोज, ठीक है। तो गोल्डन मिडोज के नाम से भी इसको जानते हैं। लोकेशन है इसकी गांदरबल कश्मीर, जहाँ पे ये फॉल करता है। साथ ही में ग्लेशियर्स हैं, उसी रेंज पे सोनमर्ग पड़ता है। वहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पीक है उन ग्लेशियर्स में, जिसका नाम है कलहोई पीक। इसी मिडो से रास्ता होके जाता है कुछ लेक्स को, जिसमें गंगाबल है, विशनसर है, किशनसर है। इन लेक्स के बारे में भी हमने ऑलरेडी पढ़ रखा हुआ है लेक्स वाले टॉपिक पे। बालटाल नाम की एक जगह है, 15 किलोमीटर दूर है सोनमर्ग से। इसके बारे में हम यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं, जहाँ पे ये बालटाल लोकेटेड है। साथ ही में एक पास पड़ता है, जोजिला पास। इसी पास से होके आप लेह तक जा सकते हो। और लेह को दूसरा किस नाम से बुलाते हैं, रूफ टॉप ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, ये क्वेश्चन एक बार आ रखा हुआ एग्जाम में, रूफ टॉप ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट पॉइंट है जी मोर टनल, यहाँ पे बनाया गया था इन द ईयर 2021, ताकि थ्रू आउट द ईयर ये जो रूट है सोनमर्ग को, ये ओपन रह सके। स्नोफॉल की वजह से इसको बंद ना करना पड़े। बाकी जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ नंबर ऑफ रिवर राफ्टिंग इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते रहते हैं, जहाँ पे सिर्फ हमारे इंडिया से नहीं बल्कि बाहर की कंट्री से भी टीम आती है पार्टिसिपेट करने के लिए। नेक्स्ट आते हैं गुलमर्ग पे। गुल का मतलब है, एक पर्शियन वर्ड है ये, जिसका मतलब है फ्लॉर। तो मर्ग हमने पहले पढ़ा, मर्ग का मतलब है मिडोज। लोकेशन है इसकी बारामूला कश्मीर, पहले इसको गोरी मर्ग के नाम से भी जानते थे, गोरी माता पार्वती से रिलेटेड है वर्ड। बाद में यूसुफ शाह ने इसका नाम बदल के गुलमर्ग कर दिया। वर्ल्ड का जो हाईएस्ट गोल्फ कोर्स है वो यहाँ गुलमर्ग में ही प्रेजेंट है। अब गुलमर्ग को लेके बिफोर और आफ्टर इंडिपेंडेंस नंबर ऑफ इवेंट्स जुड़े हुए हैं। आप चाहो तो अपने एंड पे कवर कर सकते हो, बट यहाँ पे हम टूरिज्म की बात कर रहे हैं तो उस लिहाज से इतना पढ़ना सफिशेंट है। दो इम्पॉर्टेंट इवेंट यहाँ पे हम देख लेते हैं। जब ब्रिटिश रूल चल रहा था, तो इन द ईयर 1927 उन्होंने एक स्की क्लब को इस्टेब्लिश किया, जहाँ पे हर साल दो इवेंट होते थे, पहला क्रिसमस पे और दूसरा होता था ईस्टर पे। नेक्स्ट, जब 1947 की बात करें तो पाकिस्तान ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था, ऑपरेशन गुलमर्ग के नाम से, ठीक है। उन्होंने कुछ विलेजेस पे अपनी आर्मी सेट कर दी थी, जिसमें गुलमर्ग भी एक था, इसको इन्वेड करने के लिए। हाउएवर बाद में इंडियन आर्मी ने उन विलेजेस को और गुलमर्ग को वापस से रिकैप्चर कर लिया। विंटर स्पोर्ट्स जो यहाँ पे खेले जाते हैं, स्कीइंग के बारे में हमने पहले पढ़ा। इसके अलावा यहाँ टोबोगैगिंग होती है और स्नोबोर्डिंग भी होती है। नेक्स्ट आते हैं पहलगाम में। पहलगाम भी दो वर्ड्स का बना है, पेहुल और दूसरा गाँव, ठीक है। पहुल का मतलब होता है शेफर्ड्स और गाँव का मतलब हुआ विलेज। लोकेशन है इसकी अनंतनाग कश्मीर। हिंदू ट्रेडिशंस की अगर माने तो इसको पहले बैलगांव के नाम से भी जाना जाता था। अब ये बैलगांव नाम कहाँ से आया, भगवान शिव से ये रिलेटेड है। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान शिव अमरनाथ को चले गए थे, तो उन्होंने अपने बैल को, ये नंदी जिसको हम कहते हैं, उनको पहलगाम में छोड़ दिया था। इसी वजह से इसको बैलगांव के नाम से भी जाना जाता था। अभी ये पहलगाम है। अमरनाथ यात्रा से भी ये जगह एसोसिएटेड है। जो चंदनवाड़ी है, जहाँ से यात्रा स्टार्ट होती है, वो भी 10 या 12 किलोमीटर ही दूर है पहलगाम से। इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशंस की बात करें जो इस तहसील में पड़ती हैं, कौन कौन सी हैं, बेताब वैली, कुलहोई ग्लेशियर और लास्ट में बेसरन वैली, जो मिनी स्विट्जरलैंड बोलते हैं, वो इसी वैली को बोलते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे एक पहलगाम गोल्फ कोर्स है, जिसकी स्पेशलिटी ये है, वो एक 18 होल्स का कोर्स है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं निषाद बाग पे, जिसको गार्डन ऑफ जॉय या गार्डन ऑफ डिलाइट के नाम से भी जाना जाता है। इसकी लोकेशन है डल लेक के ईस्ट साइड पे ये पड़ता है। जैसे हमने पहले मुगल गार्डन्स पढ़े थे, निषाद बाग भी मुगल गार्डन्स में से एक है। इसको जो कंस्ट्रक्शन है इसकी और जो इसका डिज़ाइन है, वो सेट किया था आसिफ खान ने, जो नूर जहाँ के सबसे बड़े भाई थे। ये नूर जहाँ जहांगीर की 20th मिसेज थी, क्या उनकी 20वीं बीवी थी ये। कब बनाया गया था ये, इन द ईयर 1633। जोरा बेगम, जो कि आलमगीर सेकंड की बेटी थी, उनको यहीं पे दफनाया गया था निषाद बाग में। नेक्स्ट आता है हजरतबल श्राइन, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस कश्मीर की, मुस्लिम श्राइन। लोकेशन है इसकी श्रीनगर कश्मीर। हजरतबल के अलावा इसको दरगाह शरीफ के नाम से भी जाना जाता है। जो श्राइन की इस्टेब्लिशमेंट थी इनिशियली, वो की थी इनायत बेगम ने,
जो ख्वाजा नूरुद्दीन की बेटी थी। बाद में जो पहली बिल्डिंग बनाई गई वो 17th century में बनाई थी सदी खान ने, जो कि शाहजहां के टाइम के एक सूबेदार थे। बाद में शाहजहां के ऑर्डर पे इस जगह को एज ए प्रेयर हॉल बना दिया गया इन द ईयर 1634। ये पूरे जितने भी लाइन्स हमने पढ़ी ये इंपॉर्टेंट है इस प्लेस के रिगार्डिंग। बाद में जो हम अभी की कंस्ट्रक्शन देखते हैं, जो अभी ये प्लेस बनी हुई है, इसकी जो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई थी 1968 में और लगभग 11 साल लगे इसको पूरा बनने में, तब जाके ये कंप्लीट हुई थी इन द ईयर 1979। अब इस जगह का जो मेन महत्व है, मेन इंपॉर्टेंस है, वो क्यों है? जो यहाँ पे अवशेष रखा गया है जिसके लिए ये जगह मानी जाती है, वो एक बाल था प्रॉफिट मोहम्मद का, ठीक है। ये मुस्लिम्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट हस्ती थे। बाद में जो ये रैली के अवशेष लाया किसने था यहाँ पे? सैयद अब्दुल्ला मदानी ने। नेक्स्ट आते हैं जामा मस्जिद पे, जो बिगेस्ट मॉस्क है, लार्जेस्ट जिसको आप बोल सकते हो। लोकेशन है इसकी श्रीनगर कश्मीर। ये बनाई थी सिकंदर ने इन द ईयर 1394। इसका अगर आप आर्किटेक्चर देखोगे तो जो मेन इन्फ्लुएंस है इस बिल्डिंग पे वो है पर्शियन आर्किटेक्चर का। इसके अलावा बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर का टच भी आपको इस बिल्डिंग में मिल जाएगा। अब हमने ये पढ़ा कि सिकंदर ने बनाई थी, बट उसके बाद 2-3 बार ये डिमोलिश हो गई, एक बार यहाँ पे आग लग गई। तो जो हम फाइनल अभी बिल्डिंग देखते हैं वो किसने बनाई थी? औरंगजेब ने इन द ईयर 1672। सिकंदर में और औरंगजेब में कंफ्यूज नहीं होना, इन्होंने पहले बनाई थी फर्स्ट टाइम, उसके बाद जब ये खत्म हो गई, यहाँ पे आग लगी, 2-3 बार ये टूट गई, उसके बाद औरंगजेब ने फाइनल बिल्डिंग तैयार की थी 1672 में। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस हमने कवर की। इसके अलावा अगर आपको कुछ ऐड करना है, जैसे जम्मू में पीर खू है, परमंडल है, एक दो मुगल गार्डन और हैं कश्मीर में, आप सिंपली देख सकते हो कि वो इस्टेब्लिश कब हुए थे, अगर कोई इंपॉर्टेंट इवेंट उनके साथ रिलेटेड है तो। अब आते हैं MCQs पे। मुबारक मंडी महल किसने बनाया था? ध्रुवदेव ने, ये हमने पढ़ा। उसके बाद मीडो ऑफ शेपर्ड्स किसको बोलते हैं? ये रिसेंटली हमने आज ही पढ़ा पहलगाम को। अमर पैलेस, अमर सिंह पैलेस या हरी पैलेस जिसको हम बोलते हैं, वो कौन से आर्किटेक्चर ने बनाया था? फ्रेंच, ये भी हमने पढ़ा था और ये JKSSB में एक बार आया भी हुआ। नेक्स्ट आते हैं बहु फोर्ट कौन सी नदी के तट पर लोकेटेड है? तवी के। रूफ टॉप ऑफ द वर्ल्ड किसको बोलते हैं? ये भी एग्जाम में एक बार आया, आज ही पढ़ा, लेक हो। उसके बाद जो गुलाब सिंह का कोरोनेशन सेरेमनी थी वो कौन से फोर्ट के पास हुई थी? अखनूर फोर्ट के पास, ये भी हमने स्लाइड में कवर किया था। विनाइस ऑफ ईस्ट किसको बोलते हैं? श्रीनगर को, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट है जो लास्ट रेजिडेंस था डोगरा किंग का वो कौन सा था? हरी पैलेस। जो लास्ट, इससे पहले जो लास्ट सीट थी वो मुबारक मंडी पैलेस थी, बाद में जब हरी सिंह जी आए तो वो कहाँ पे शिफ्ट हो गए थे? अमर पैलेस में, हरी सिंह पैलेस या हरी पैलेस भी जिसको हम बोलते हैं। अब एक लोकेशन कश्मीर में जहाँ पे एक हिंदू श्राइन है, एक सिख श्राइन है और साथ ही में एक मुस्लिम श्राइन है, तो वो कौन सी जगह है? ये हमने शायद कल पढ़ी थी, हरी पर्वत फोर्ट, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आज के लिए, इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप आपको कोई हेल्प मिली हो इससे। सो इफ़ यू फाइंड इट यूजफुल प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। फर्दर क्वेरीज के लिए, PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और टॉपिक की बात करेंगे जो जम्मू कश्मीर से रिलेटेड होगा। Thank you.